शारदा, मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आ रही हूँ, मैं सीधा तुम्हें कोर्ट में मिलूंगी। ओके बाय। सुहासिनी लाख कोशिश कर ले, लेकिन तलाक हो जानी चाहिए प्रभु। मैं उसे इस घर में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। हाँ, मैं बस निकल ही रहा हूं कोर्ट के लिए। बाय। मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक तो नहीं कह सकता सुहासिनी, हाँ तुम्हारी नाकामी के लिए दुआएं जरूर कर सकता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? कहाँ जा रही हैं आप? अपने पति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ने? हाँ, मगर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि आपके शरीर का हिस्सा हूँ मैं। यही वजह थी कि मैंने इस घर में न आने का वादा किया था, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर खुद ही उस वादे को तोड़ बैठा मैं। Excuse me. डॉक्टर साहब प्लीज, मुझे आपसे भी कुछ बातें करनी है। देखो, आज मेरी कोर्ट में डेट है, मेरे पास वक्त नहीं है। सर, अगर ये वक्त टल सकता है तो इसे टल जाने दीजिए, क्योंकि इससे ना ही सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद होने से रुक सकती है, बल्कि मेरी माँ की जिंदगी भी तहस नहस होने से बच जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से। मेरी क्या औकात डॉक्टर साहब कि मैं आपका रास्ता रोकूं? और ये बकवास भी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी माँ आपकी पत्नी है। जिस तरह मेरी माँ के साथ शादी करके आपने उसे मान सम्मान दिया था, आज उसी मान सम्मान का अपमान करने आप कोर्ट जा रहे हैं। क्या आपने सोचा है सर, जब आपका लॉयर आपकी पत्नी यानी मिसेस डोगरा के बारे में अनशन बकेगा, तब आपकी पोजीशन क्या होगी? औरत मर्द की इज्जत होती है। अगर एक मर्द की औरत को कोई राह चलता आदमी छेड़ भी दे तो उसके बदन में आग लग जाती है, वो मारने मरने पर उतारू हो जाता है सर। मैंने माना कि मेरी माँ एक बुरी औरत है, एक गिरी हुई औरत है, लेकिन वो आपकी पत्नी है सर। जिस तरह उसे स्वीकार करके आपने उस पर एहसान किया था, प्लीज उसे घर से ना निकालकर उस पर एक और एहसान कर दीजिए। सर, औरत की जिंदगी में दो ही दाग ऐसे होते हैं जो लाख मिटाने पर भी नहीं मिटते हैं, एक विधवापन का दाग और दूसरा तलाक का। डोगरा साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर, आपके पैर पड़ता हूं, मेरी मां को। तुम्हारे दिल में इस औरत के लिए इतनी नफरत थी कि तुम इसे मां तक नहीं बोलते थे, मगर आज तुम इसी के लिए दलील पेश कर रहे हो। तुम्हारी बातों की सच्चाई ने मेरी आंखें खोल दी है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं तुम्हारी मां को तलाक नहीं दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू। प्रकाश, आज तक हमने सुना था कि माँ अपने बच्चे की आंखें खोलती है, मगर आज पहली बार मैं देख रही हूँ कि एक बच्चा अपनी माँ की आंखें खोल रहा है। बेटा, आज तक मैं दुनिया की नजरों में एक गिरी हुई औरत थी, आज मैं सचमुच अपनी नजरों में गिर गई हूँ। नहीं माँ, नहीं, मेहरबानी करके ऐसी बातें मत कीजिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते माँ। मुझे तो खुशी है कि आप देर से आई लेकिन दुरुस्त आई, देर से ही सही लेकिन आपने बुराई की ओर से अच्छाई की ओर कदम बढ़ाया तो माँ। मैं बहुत छोटा हूँ माँ, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि औरत का सब कुछ उसके पति के कदमों में होता है। उसे दुनिया की हजार नेमतें मिल जाएं, लेकिन अगर पति का प्यार नहीं मिले तो उसकी हालत उस पेड़ जैसी होती है जो बाहर से तो मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसकी जड़ें इतनी कमजोर
इतनी खोखली होती हैं कि हवा के एक मामूली से झोंके से वो ढह जाता है। प्रकाश, तुम छोटे नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो। जो बच्चा अपनी माँ को तलाक से बचा सकता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत अजीम होता है। ठीक है, मैं चलता हूँ माँ। थोड़ा रुक जाओ प्लीज। ये अकाउंट्स लेजर से टैली नहीं कर रहे। आप सीएस से बात कीजिए, अगले हफ्ते रिटर्न फाइल करनी है। मैं कल ही बात करूंगा। ये अप टू डेट होना चाहिए। बिल्कुल। वीर प्रताप, ऑफिस के काम घर में करना बंद कर दो। शादी को बहुत कम दिन बचे हैं, मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कल ज्ञानी महाराज का फोन आया था कि वो आज की फ्लाइट से आ रहे हैं। रियली? वीर प्रताप, शादी का जोड़ा देख लो। वीर प्रताप, देखा शादी का जोड़ा? खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। काश मैंने चांदनी को देखा होता तो चांदनी को इस जोड़े में तसव्वुर करता मैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। महाराज आइए। प्रणाम महाराज, आइए। जय राधे कृष्ण। नमस्ते महाराज की जय। विराजिए महाराज। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके आने से हमें कितनी प्रसन्नता हुई। अरे भाई, ऐसे कैसे, हमारे राज बेटे का विवाह और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? हमें तो हर हालत में आना ही था। भाई, वो भाग्यशाली कन्या है कौन जो हमारे राज बेटे की जीवन संगनी बनने जा रही है? लड़की बहुत ही अच्छे खानदान की है, खूबसूरत है, सुशील है। भाई, उस सुशील कन्या का नाम क्या है? उसका नाम चांदनी है महाराज। चांदनी? महाराज, आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं है, अगर उस कन्या की कुंडली मुझे दे दी जाए तो मैं शाम तक देख के आपको बता सकता हूँ। फिलहाल हम थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हैं। हाँ जरूर, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। राज, चांदनी का नाम सुनकर महाराज चुप क्यों हो गए? अरे कुछ नहीं है बुआ, लंबा सफर तय करके आए ना, थक गए होंगे पंडित जी, शाम को बताएंगे। हाँ, तुम फिक्र मत करो, चलो। हाँ। तुम कुछ भी कर लो राज, लेकिन भगवान मेरी ही सुनेगा। कौन हो तुम? प्रकाश, प्रकाश रावण नाम है मेरा। यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? किसी का नहीं, इस घर के मालिक ने मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा है। इस घर में किसे जानते हो तुम? मिसेस डोगरा को। तुमसे किसने कह दिया कि मिसेस डोगरा इस घर की मालकिन है? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि वो मिस्टर डोगरा की पत्नी है। पत्नी है नहीं, पत्नी थी। मिस्टर डोगरा उसे बहुत जल्दी तलाक देने वाले हैं।
मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, पर इतना जरूर जानता हूं कि जाने से पहले उसे अपने साथ ले जाना। डैड, ये मैं क्या देख रहा हूं? विकी, मैंने सुहासिनी को तलाक देने का फैसला बदल दिया है। क्या? तो फिर ये कोर्ट कचहरी का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जब आपको इस औरत के सामने अपने घुटने टेक नहीं थे तो पहले ही घुटने टेक देते। इस बात को आपने इतना क्यों बढ़ाया? आपको अपनी इज्जत का ख्याल होना हो, और मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। और नीचे वो लड़का कौन है? वो सुहासिनी का बेटा प्रकाश है, आज से वो भी इस घर में रहेगा। ठीक है डैड, जब आपने फैसला कर ही लिया तो जी, मेरा एक ही बेटा है और मैंने उसकी शादी के लिए बड़े सपने देखे हैं और मैं उन सपनों को साकार करना चाहता हूं महाराज। जजमान जी, अगर यह विवाह हो गया तो आपके सपने साकार तो नहीं परंतु चकनाचूर अवश्य हो जाएंगे। सुबह ही मैंने उस कन्या की कुंडली देखी, कन्या तो मंगली है, नीच का मंगल वो भी अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। उस कन्या से जो वर विवाह करेगा उसे मृत्युतुल कष्ट, कहने का मतलब जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। मैं आपके कुल का शुभचिंतक हूं, मैं आपकी शुभकामनाएं चाहता हूं, इसलिए आपको बता दिया। बाकी आपकी जो मर्जी है आप कीजिए। क्या हुआ वीर प्रताप? दीदी, पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से गुनाह किए हैं कि जिनकी सजा मुझे किस्तों में मिल रही है। वीर प्रताप जल्दी बोलो, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। वीर प्रताप, राज और चांदनी की शादी नहीं हो सकती। क्या? हाँ दीदी, चांदनी। क्या हुआ चांदनी को? चांदनी मंगली है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब ये शादी मुमकिन नहीं है। दीदी, अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने ये फैसला किया है और ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, 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 ये सब झूठ है, फरेब है। ये सब जमाने की तरक्की पर बदनुमा दाग है। ये सब डैड, डैड, दुनिया 21वीं सदी में पहुंच चुकी है और हम हिंदुस्तानी अब तक मंगली और संगली के चक्करों में फंसकर अपनी खुशियों को गारत कर रहे हैं। नहीं डैड, प्लीज डैड, डैड आप कहां जा रहे हैं? आप इस तरह खामोशी से नहीं जा सकते डैड, प्लीज। राज, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। हमें जो कहना था हमने कह दिया और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम अपने फैसलों से कभी पलटते नहीं। अजब डैड, डैड, ये गुआजी, गुआजी आप कहां जा रहे हैं? गुआजी, मैं आपका बेटा हूं, मेरी खुशियों में ही आपकी खुशी है। गुआजी, 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 मेरी दुनिया लुट रही है पर आप कुछ नहीं कर रही है। गुआजी कुछ कीजिए, गुआजी प्लीज। नहीं राज, मैं कुछ नहीं। गुआजी, गुआजी, भगवान, लगता है भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। राज, राज मैं जीत गई, भगवान ने मेरी सुन ली। राज वो भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी चांदनी से हो। राज, राज अब तो मुझे अपना लो, मैं पूरी तरह से तुम्हारी बनकर रहूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। राज, ओ यू जस्ट शट अप सीमा, शट अप। तुम जाओ यहां से, जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। दीदी, सब तकदीर की बातें हैं। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। लेकिन ये कैसे हो सकता है अंकल जी?
बुआ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठो। कहो सीमा। बुआ जी, मुझे रूबी इस घर में इसलिए लाई थी कि मैं राज की शादी में मदद कर सकूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं यहां इसलिए आई थी कि मैं राज को इस बात के लिए राजी कर पाऊं कि वो आप लोगों से कहे कि उसने अमेरिका में मुझसे कंधर विवाह किया था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी कोशिश में नाकाम रही। राज ने कभी आप लोगों से हकीकत बयान नहीं की और मैं सब कुछ सहती रही। बाजी, आप लोगों के मुझ पर बहुत एहसान है जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में उतार नहीं सकती। एक एहसान मुझ पर और कर दीजिए, मुझे अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर लीजिए, मुझे अपने चरणों में पनाह दे दीजिए। लेकिन सीमा, तुम तो सीमा अपनी सीमा मत भूल, और ये भी मत भूल कि नौकर का पूरा खानदान मालिक के सामने हमेशा नौकर ही रहता है। अपनी हद में रह लड़की, और वो ख्वाब कभी मत देख जिनकी ताबीर नामुमकिन है। हम तो समझे थे तुम्हारा भाई गिरा हुआ, लेकिन तुम तो उससे ज्यादा गिरी हुई निकली। जा, चली जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। बुआ जी, मुझे अपने घर से मत निकालिए। बुआ जी, मुझे अपने घर से मत निकालिए। मेरी सच्चाई मेरे आंसुओं से जाहिर हो रही है। बुआ जी, मुझे अपना लीजिए। बुआ जी, मुझे अपना लीजिए। मुझे अपने घर से मत निकालिए, भगवान के लिए। जाती है या तुझे घर के नौकरों से धक्के दिलवा कर बाहर भिजवा दूं? बस कर। और कितने इम्तिहान लेगा मेरे? मेरा ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए तू इतनी सख्त सजा दे रहा है मुझे? तेरे सामने तो मैंने राज सचदेवा से शादी की थी, तू साक्षी था। तू तेरे सामने मुझे राज ने अपनी पत्नी माना था, तू मौजूद था। लोग बड़े बड़े पाप करते फिर भी तेरी जमीन पर अकड़ के चलते हैं। मैंने सब कुछ नहीं किया, फिर भी तूने मेरा संसार लूट लिया। क्या मर्दों के समाज की तरह तेरे समाज में भी औरतों के साथ नाइंसाफी होती है? उनका हक छीना जाता, उन्हें बेइज्जत किया जाता है। बोल भगवान, बोल, तू बोलता क्यों नहीं? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तू मुझे मेरी इज्जत लौटा दे, मेरा हक मुझे वापस दिला दे। मुझे इंसाफ चाहिए भगवान।